फ्रेंड्स, आप लोग अगर एक यूट्यूबर हो तो आप लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब से वीडियो अपलोड करने से अच्छा है या क्रोम ब्राउज़र से अपलोड वीडियो करने से अच्छा है। क्रोम से ज़्यादा व्यूज आएगा या यूट्यूब से ज़्यादा व्यूज आएगा? यूट्यूब में ज़्यादा टाइम लगता है या क्रोम में ज़्यादा टाइम लगता है? मैं आज वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख के समझ जाएंगे किधर से करने से अच्छा है और व्यूज किधर से ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DS देखो और सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल में आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यूट्यूब को ओपन करते हैं। यूट्यूब से दिखाएंगे पहले, ठीक है फ्रेंड्स? यूट्यूब को ओपन करते हैं, उसके बाद देखिए नीचे में प्लस है, प्लस में एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अपलोड वीडियो में क्लिक करेंगे। उसके बाद बहुत ही आसान है, यहाँ से एक वीडियो ले लेना है आपको। इस तरह से आप वीडियो सेलेक्ट किए, ऊपर में देखिए नेक्स्ट है ऑप्शन। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन, टाइटल लिखने का ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन है और यहाँ पर विजिबिलिटी ऑप्शन है, लोकेशन है और देखिए टैग का ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे टैग का ऑप्शन नहीं है, इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन है। तो उसके बाद देखिए अभी आपको दिखाते हैं क्रोम से। क्रोम को ओपन करेंगे इस तरह से। उसके बाद ऊपर में आपको फर्स्ट में www.youtube.com करना पड़ेगा, तभी जाके आपका चैनल इधर आएगा। उसके बाद फिर से आपको ऊपर में देखिए एरो में दबाना होगा और यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट कर लेना होगा। उसके बाद देखिए डेस्कटॉप साइट करने के बाद देखिए ऊपर में देखिए एक गोल का लोगो दिखेगा, ये लोगो में क्लिक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद योर चैनल में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कस्टमाइज चैनल में क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग देख ही सकते हैं कितना दूर आना पड़ रहा है अपलोड करने के लिए क्रोम से। उसके बाद आप लोगों को बताते हैं, आप लोग देखते रहिए। देखिए आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, देखिए अभी आ गया। उसके बाद देखिए ऊपर में क्रिएट ऑप्शन है, उसके बाद देखिए अपलोड वीडियो है, उसके बाद अभी आ रहा है सेलेक्ट फाइल यानी अपलोड करने का ऑप्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी आपको वीडियो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं, तब जाके आपका अपलोड होगा। यहाँ से सब कुछ हो जाता है, लेकिन कितना टाइम लग रहा है देखिए फ्रेंड्स, ठीक है? और इधर यूट्यूब से तुरंत हो जाता है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप यूट्यूब में ही कीजिए, अपलोड कीजिए और आप सिर्फ यहाँ पर विजिबिलिटी है, यहाँ पर आपको अनलिस्ट करके अपलोड कर देना होगा। अनलिस्ट करके अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद आप YT स्टूडियो में आइए। YT स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर आपका वीडियो आ जाएगा, वीडियो में आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए पेंसिल में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप लगा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लगा लीजिएगा, विजिबिलिटी को पब्लिश कर दीजिएगा, ऑडियंस सब है यहाँ पर देखिए, और टैग भी है और रेट प्लेलिस्ट भी है। यहाँ से सब कुछ आप कर सकते हैं, टोटल काम देखिए यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। तो उससे अच्छा है उतना टाइम वेस्ट के चलते क्रोम से डायरेक्ट यूट्यूब से आप लोग अपलोड कीजिए, सुविधा भी होता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपका वीडियो जैसे भी हो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। आप कहीं से भी अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं और क्रोम से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वायरल ज़रूर होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।